बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ फर्स्ट ईयर 11th क्लास इंग्लिश का मैं पेपर शेयर करूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता है आपका पेपर कैंसिल हुआ था और कैंसिल होके जो है वो आपके पेपर की टोटली डेट जो है वो चेंज हो चुकी थी और अब आपका पेपर जो है वो 28 को होना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। आपने इन सवालात को अच्छे तरीके से याद करना है। आपको पता है कि आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस है इंग्लिश का, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं और 100% गारंटी के साथ इसमें से आपका पेपर आएगा। सो सबसे पहले नॉर्मा वाले चैप्टर में से ये कुछ सवालात हैं। आपके टोटल जितने भी चैप्टर हैं आप लोग सिर्फ पहले 10 चैप्टर, मैं आपको गारंटी देता हूँ 12 नहीं सिर्फ 10 चैप्टर के आप लोग ये गैस पेपर में से ये जो पेपर है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लो। आप लोग इजीली जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन कर लोगे जो आपकी बुक वन में से होते हैं, ठीक है। सो ये पहले में से है। उसके बाद व्हाई द ओल्ड मैन प्लांटेड द सीक्रेट गार्डन, व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई, ठीक है। तो ये सवाल आपने देख लेने हैं, मैं सारे सवाल आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा आप, बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो ये सारे सवाल हैं, ठीक है। तो ये सवाल जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सवाल हैं, इतने सवाल आप लोग याद करो। आपके 14 से 16 नंबर जो है वो कन्फर्म है इसी में से। देखो भाई, वैसे भी आप लोग अगर अपनी पूरी बुक वन के शॉर्ट क्वेश्चन काउंट करो ना तो 100-200 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये इतने नहीं है, ये उससे भी कम है, लेकिन गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ आप इनको याद करें, इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैं। सो उसके बाद बुक 3 जो है वो आपकी एक्ट वाली, ठीक है, प्ले, आपको पता है प्ले वाले। सो व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस दैट फोर्स द गर्ल टू लीव द कार, हाउ डिड द गर्ल रियलाइज द ट्रुथ, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द क्रेटॉन्स विजिट, हाउ इंप्रेसिव वर द मॉरल ऑफ क्रेटॉन विजिट्स। सो आपने ये अच्छे तरीके से सारे सवाल जो है वो देख लेने हैं। उसके बाद जो आपकी बुक 3 है वो आपको मैं बताता हूँ जो उसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोइम वाला पोर्शन। आपको पता है 8 नंबर का इसमें से आएगा, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, ठीक है, 8 आपने करने हैं। सो इसी तरह 10, ठीक है, और इसी तरह इसमें से 12, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों के जो है वो आओगे तकरीबन 30 नंबर का आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आएगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इन सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बुक 3 पॉइंट वाले में से जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। सो अभी बात करते हैं लेटर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर जो आपको जो है वो यहाँ पर दिख रहे होंगे। आपको लेटर के अंदर या तो एप्लीकेशन के अंदर चॉइस आएगी, ये देखें, ठीक है, और लिखा हुआ, या तो आपने लेटर करना है या तो एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट लेटर भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सिंपल आप लोग अगर आपने लेटर करे हैं या एप्लीकेशन की इनको कर लो। अगर आपने पूरा साल नहीं काम किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ आप लोग एप्लीकेशन कर लो, एप्लीकेशन ईजी है काफी, ठीक है। सो उसके बाद स्टोरी आपको आएगी, ठीक है। स्टोरी के हवाले से आप बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि भाई स्टोरी हम कौन सी करें। भाई एक ही स्टोरी होती है, सॉरी एक मोरल होता है, उसकी 20 से 30 स्टोरियां बनती है, आप लोग कोई भी लिख सकते हो। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमक से चीज सोना नहीं होती, ठीक है। ये आप लोग कह सकते हैं वो जो लक्कड़ हारे वाली है, ठीक है, जिसका काटते वक्त जो है वो कलहारा नदी के अंदर गिर जाता है, फिर फरिश्ता निकल के आता है उससे भाई नया लकड़ी का कलहारा देता है, फिर पत्थर का देता है। सो अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। इसके अंदर थ्रस्टी ग्रो भी आती है और बहुत सारी स्टोरियाँ एक ही मॉरल के अंदर आती हैं। बेसिकली आपने मॉरल याद रखना है, स्टोरी आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ठीक है, ये भी इसके अंदर आती है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमक चीज सोना नहीं होती, ठीक है। ये वाली है वो जो मैंने आपको बताई है, वो बढ़ई वाली जिसका कलहारा जो है वो नदी के अंदर गिर जाता है, आप लोग इसके अंदर भी लिख सकते हैं और इसके अंदर भी। सो माइट इज राइट एंड प्राइड हैट फॉल्ट, आपने ये स्टोरीज कर लेनी है इनशाला, 2 की 2 आपकी इन्हीं में से आएंगी, गारंटी 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आगे आप लोगों के लिए। सो ये पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। एलिजिबल एलिजिबल, डोस डोस, एल्यूजन एल्यूजन, आइडल आइडल, पोर पोर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर के आपको आएंगे, आप लोग इनको पढ़ लें, 5 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म है। सो अभी आती है ट्रांसलेशन, ठीक है, आपने ट्रांसलेट करना है पैसेज इनटू उर्दू। सो ये है दी पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, जो नॉर्मल वाला चैप्टर उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, आई नो व्हाट यू थिंक ही इंटरप्टेड,
सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग ये पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश का जो आपको आएगा आप लोग लेना चाह रहे हैं इस पेपर, तो मैं आपको नंबर बताता हूँ, आप लोग अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको 200 फी के अंदर जो ये पेपर सेंड हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर फी आपने क्यों रखी हुई है, भाई फी जो है जब ये टाइप करवा के सेंड करवाते हैं तो फी हमें पे करना पड़ती है। सो 200 आप लोग वैसे ही डेली यूज़ कर ले तो कहीं ना कहीं पेट्रोल बैग वगैरह डलवा लेते हो, लेकिन अगर आपका कहीं फ़ायदा हो रहा है 200 के अंदर सो ये मेक श्योर करें कि आप लोग 200 से पास भी हो सकते हैं, ठीक है। 200 आप लोग ये पेपर लें और इसको याद करें, इंशाल्लाह गारंटीड आप लोग जो है ये पेपर याद करके पास हो जाएंगे, और नंबर कितने आएंगे 80 से 90 नंबर आ जाएंगे अगर आप लोग इसको कर लोगे। सो ये थे इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, ठीक है। ये देखिए नोट भी आखिर पे दिया गया है। सो मरूजिया आपने कहाँ से करनी है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नोट आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अभी मैं आपको नंबर बताता हूँ। सो ये देखिए आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करें और मैसेज करके जो है आप लोग ये पूरा पेपर जो है व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दें। आपका लास्ट पेपर है, होपफुली आपके पेपर बाकी बचे हुए होंगे, बाकी इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अंदर भी आपको पेपर वगैरह गेस्ट पेपर्स वगैरह शेयर हो जाएंगे। तो आप इसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी चीज़ें हों जो भी नई अपडेट्स आती हैं आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।